दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कश्यप। इस वक्त मौजूद हूं दंतेवाड़ा ज़िला के ग्राम पंचायत एड़पाल में। आप देख सकते हैं अपने कैमरामैन के माध्यम से इस नज़ारे को। आज इंसान ने आधुनिक टेक्निक के माध्यम से क्या नहीं कर सकता, अपनी राह चलने के लिए, अपने रास्ता चुनने के लिए, अपने मंजिल पहुंचने के लिए आदमी हमारे इंसान चट्टानों को फोड़कर, धरती को तोड़कर अपने राह जहां तक के पहुंचना है वो निश्चित तौर पे पहुंच सकता। इसलिए क्योंकि आदमी आज के ज़माने में ऐसे ऐसे मशीनों का आविष्कार किया गया है, इंसान के माध्यम से करीब 1 या 2 साल लगने वाला कार्य को भी आज के डेट में मशीनरी के माध्यम से 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर सकता है। इसलिए क्योंकि आज की जो ज़माना है, आज की जो विज्ञापन है, आज की जो विज्ञान है आज के डेट में, और पिछला बीता हुआ ज़माने में ज़मीन और आसमान की फ़र्क है। फ़र्क वो इसलिए पहले ज़माने के लोग अपने हाथों से ही काम किया करते थे, और जितना ज़्यादा मात्रा में कार्य करते थे वो उतने ही कम नज़र आ रहा था उस कार्य में। आज मशीनरी के माध्यम से आविष्कार देखिए, इस पहाड़ी पे बिल्कुल पथरीला रास्ता था, बड़े बड़े पत्थर थे, और चलना फिरना, गाड़ियां लाना तो दूर, यहाँ पे चढ़ाना भी नामुमकिन था। लेकिन अभी आज के ज़माने हमारे विज्ञान के आविष्कार के माध्यम से आज देख सकते हैं, वैज्ञानिक के माध्यम से जो बना हुआ मशीनरी सामान को ला करके पथरीले रास्ता को आसान कर दिया गया है। इसमें चढ़ना, पैदल चलना दूर की बात है, यहाँ पे आसानी से जिस टाइप का गाड़ी को ला सकते हैं और भारी वाहन को भी चला सकते हैं, और ना ही किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचेगा और ना ही किसी प्रकार का दिक्कत है। बस दिक्कत है भी तो बस चट्टानों का दिक्कत है, इसलिए क्योंकि रोड के नीचे अगर गाड़ी को उतार दिया जाए तो आदमी को ऑटोमेटिकली नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए क्योंकि ऐसे जगह जो भी वाहन चालक है उससे आग्रह है, गाड़ी को बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश माइंड में बिठा करके ऐसे जगह वाहन को चलाया जाए, क्योंकि वाहन में काफ़ी सामान होती है और कुछ कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं, छोटी सी लापरवाही किसी की जान जा सकती है। बस